17 मई 1945 को मैसूर कर्नाटका में पैदा हुए चंद्रशेखर बचपन में पोलियो के शिकार हो गए थे, लेकिन चंद्रशेखर की यह खामी खूबी में बदल गई। उनकी कलाई गेंद फेंकते वक्त ज्यादा मुड़ जाती थी, जो उन्हें सामान्य स्पिनरों से अलग करती थी। वास्तव में सबसे तेज लेग ब्रेक बॉलर रहे, जिसके कारण अच्छे अच्छे बल्लेबाज आसानी से आउट हो जाते थे। भारत की मशहूर स्पिन चौकड़ी चंद्रा, बेदी, प्रसन्ना और वेंकट राघवन में से एक रहे। चंद्रा लंबी बाउंसिंग रनअप के बाद तेज गुगली फेंकते थे। उनका खेल कभी कभी पहली सा लगने लगता था। पहले दिन बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान होते थे, तो दूसरे दिन बड़े खतरनाक हो जाते थे। उन्होंने कई बार अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया, जिनमें शामिल है भारतीय क्रिकेट के इतिहास का यादगार मुकाबला, जब भारत ने 1971 में ओवल टेस्ट जीतकर इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट जीता था और सीरीज पर कब्जा जमाया था। चंद्रा ने 38 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे, जिससे इंग्लैंड की दूसरी पारी 101 रनों पर ही सिमट गई थी। इसके अलावा चंद्रशेखर ने 1978 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाई थी। उस मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने 104 रन देकर 12 विकेट झटके थे। संयोग देखिए कि पहली पारी में 52 रन देकर 6 विकेट लिए, वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 52 रन देकर 6 विकेट लिए थे। चंद्रा के इसी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से मात दी थी। यह कारनामा करने वाले स्पिन के जादूगर भगवत चंद्रशेखर आज 78 साल के हो गए हैं। चंद्रशेखर ने अपने टेस्ट कैरियर के दौरान 58 टेस्ट मैचों में 29.74 की औसत से 242 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए।